past one, so we will start. Let me share the screen. Okay, someone please confirm if the question paper, the PDF, is visible to you. Yes, sir, it is visible. Thank you. Thank you. So, okay, I'm getting my own echo. So, if you are listening to it on a speaker, please don't do it or keep yourself mute. All right. So, this the question paper I'm sharing is of summer 18. There this question was asked, a pair of bevel gear is required to transmit 8 kilowatt for shafts at 90 degree. Determine required modular gear diameter face width for the following specification. Iske liye aapko sabse pehle to module face width vagera sab kuch find out karna hai. Uske baad mein ye aapko design karke diya gaya hai direct this बेवल गियर, इट हैज ऑलरेडी बीन डिजाइन टू यू. और उसके नीचे ये पूछा गया है कि आर द गियर सूटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी, विल दे बी सूटेबल इफ प्रेशर एंगल चेंजेस टू 20 डिग्री. एक सिमिलर न्यूमरिकल हम लोगों ने स्पर गियर में किए थे, अगर आपको याद होगा तो. उसमें हमने डिजाइन को चेक किया था और उसके बाद में हमने गियर टिप प्रोफाइल चेंज करके वो स्पर गियर काम करेगा कि नहीं, ये चीज को प्रूव किए थे. तो इसमें मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू चेक फॉर वेदर द डिजाइन सेटिस्फाइज डिजाइन चेक्स. अपने पास तीन डिजाइन चेक है जो मैंने बताया था. ऐसे न्यूमेरिकल में यूजुअली पहला डिजाइन चेक फेल हो जाता है. पहला डिजाइन चेक है एफ बी शुड बी ग्रेटर देन एफ टी, द वैल्यू ऑफ एफ बी शुड बी ग्रेटर देन एफ टी. ये डिजाइन चेक यूजुअली ये न्यूमेरिकल में फेल हो जाता है. वो न्यूमेरिकल अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट डिजाइन चेक. वो भी अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो यू हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट डिजाइन चेक. यूजुअली पहले डिजाइन चेक में ही ऐसे न्यूमेरिकल में डिजाइन फेल हो जाता है और उसके बाद आपको फिर से पूरा का पूरा गियर पेयर दूसरे प्रेशर एंगल के हिसाब से डिजाइन करना होता है. ठीक है, तो ये सेम न्यूमेरिकल हमने एक पीडीएफ में सॉल्व किया हुआ है. This is the same numerical that was asked in summer 18 exam. I hope it is visible to you all. Is it? Yes, sir. Thank you. So, जो लोगों को assignment में summer 18 का question मिला है, those are lucky ना कि चलो एक numerical उनको solved मिल गया. But ठीक है, it is part of a coincidence. I thought that this numerical should be shared with you all because it has got that novelty in it, right? So a pair of bevel gear is required to transmit 8 kilowatt. That means this rated power is 8 kilowatt for shaft at 90 degree. Determine required modular gear diameter. Modular gear diameter ka matlab basically diameter, that is pitch circle diameter. Face width for following specifications. Number of teeth diye hue 21 and 63 pinion aur gear pe. Aapko pata hai apne paas agar नंबर ऑफ टीथ हो या फिर स्पीड हो, दोनों इसकी, सपोज पिनियन और गियर दोनों की अपने पास नंबर ऑफ टीथ या फिर स्पीड हो, तो हम लोग वेलोसिटी रेशियो निकाल सकते हैं. तो जैसे ही मैं सीरियल नंबर 1 में देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि नंबर ऑफ टीथ तो अपने को दिया हुआ है. नंबर ऑफ टीथ गियर के ऊपर है 63, पिनियन के ऊपर है 21. तो यहां से मुझे एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो इसका मतलब इनडायरेक्टली गिवन है. वेलोसिटी रेशियो भी इसका मतलब इनडायरेक्टली गिवन है. उसके बाद में मटेरियल पिनियन का जो है वो स्टील है और गियर का जो मटेरियल है वो सीआई है. इससे अपने को ये पता चलता है कि चलो अपने को मटेरियल सिलेक्ट करना नहीं है, गिवन है. द थर्ड इज बेसिक स्ट्रेंथ, दैट इज एसओ. ये 30 जैसा दिख रहा होगा बट दिस इज बेसिक स्ट्रेंथ. पिनियन का बेसिक स्ट्रेंथ एसओ, जो एफबी के फॉर्मूले में यूज करते हैं अपन, एसओ सीवी बी बाय एम 1 - b/l. ये बेवल गियर के बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है. तो उसमें जो एसओ है बेसिक स्ट्रेंथ, उसकी वैल्यू 80 और 54 दी गई है पिनियन और गियर के लिए. ऑलराइट,
उसके बाद में बीएचएन दिया हुआ है 200 और 180, उसके बाद में स्पीड दी हुई है पिनियन की 960 और गियर के इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। नाउ हमने जब डेटा पढ़ना चालू किया था तब हमको पता चला कि नंबर ऑफ टीथ तो दिया हुआ है 21 और 63 और यहां से अपने को स्पीड रेशियो दैट इज वेलोसिटी रेशियो या फिर गियर रेशियो मिल जाएगा। अपने पास अगर गियर रेशियो मिल गया तो हम लोग स्पीड भी निकाल सकते हैं गियर की। हमारा फॉर्मूला क्या है, हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू। यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू। सो इफ आई वांट टू आस्क यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी रेशियो इट इज हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू। तो अपना वेलोसिटी रेशियो हो गया 3। क्या हो गया अपना वेलोसिटी रेशियो 3। नाउ वेलोसिटी रेशियो 3 मिल गया तो अपने को पता है कि पिनियन और गियर में से कौन फास्ट घूमता है, पिनियन। पिनियन और गियर में से पिनियन फास्ट घूमता है बराबर। तो अगर मुझे गियर का वेलोसिटी निकालना है दैट इज आरपीएम निकालना है तो 960 को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो मुझे मिलेगा 320। सो दिस 320 विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। दिस 320 विल कम इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि अपना वेलोसिटी रेशियो 3 है। वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला मैंने बोला हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू। इस हिसाब से अगर यहां पर मैं 320 लिखता हूं तो हायर वैल्यू मुझे मिलेगी 960, लोअर वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 320। तो लेट अस मेक 960 दैट इज हायर वैल्यू डिवाइडेड बाय लोअर वैल्यू 320। कितना आता है 3। दैट मींस वी आर करेक्ट। यहां पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर आरपीएम आएगा 320। और टूथ प्रोफाइल थोड़ा सा ध्यान में देना आप लोग। टूथ प्रोफाइल 14.5 फुल डेप्थ बोला हुआ है। 20 डिग्री फुल डेप्थ बोला है क्या? नहीं, टूथ प्रोफाइल है 14.5 डिग्री फुल डेप्थ बराबर। उसके बाद में क्वेश्चन ये है, आर दिस गियर सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी? कंटिन्यूस ड्यूटी के लिए सुटेबल है क्या? विल दे बी सुटेबल इफ प्रेशर एंगल इज चेंज टू 20 डिग्री फुल डेप्थ? सबसे तो ये दो क्वेश्चन का अपने को आंसर देना है। कौन से दो क्वेश्चन का? आर द गियर सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी, सबसे पहले तो वो चेक करना है अपने को। मतलब विद दिस गिवन डेटा, विद दिस गिवन डेटा आर दे सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी, दैट इज वन थिंग वी हैव टू चेक। एंड इफ एट ऑल दे आर नॉट सुटेबल, ऐसा अगर अपने को पता चलता है इसको सॉल्व करने के बाद, तो हमको ये प्रूव करना है कि अगर मैं टूथ प्रोफाइल 14.5 फुल डेप्थ से 20 डिग्री फुल डेप्थ कर दूं तो फिर ये सुटेबल हो जाएंगे क्या। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल है। इसमें मैं एक चीज की तरफ आपका थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, वो ये कि यहाँ पे पिनियन और गियर का मटेरियल अलग है। आप देखो, पिनियन इज मेड अप ऑफ स्टील वेयर एज गियर इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। लेकिन आपको ध्यान में होगा कि जब बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, लेट मी शो दैट फॉर्मूला टू यू। बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला, लेट मी ओपन इट। इज डेटा बुक विजिबल टू यू ऑल? समवन प्लीज कंफर्म इफ डेटा बुक इज विजिबल टू यू ऑल। यस सर, थैंक यू। ये देखो, बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है बेवल गियर का टेबल नंबर 16-20 में से, डिजाइन फॉर्मूले फॉर स्ट्रेट टूथ बेवल गियर। यहां पे आप देखो, एसओ सीवी वाई बी एम 1-B/L। तो सीवी तो ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। वाई अपने को पता है, आइदर वाईपी या वाईजी लेना पड़ता है। बी का प्रॉब्लम नहीं, एम का प्रॉब्लम नहीं, 1-B/L का प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम है एसओ का। अब तक क्या हो रहा था कि अपने पास मटेरियल दोनों का कॉमन चल रहा था, पिनियन और गियर का। तो अपने पास एसओ की एक ही वैल्यू थी, समझ रहे आप? अपने पास अब तक पिनियन और गियर का मटेरियल अपन सेम लेके चल रहे थे, तो उसकी वजह से अपने पास एसओ का एक ही वैल्यू था। तो अपने को बहुत क्लियर था कि यहाँ पे एसओ का वो सिंगल वैल्यू अपने को यूज करना है, और वाई और वाईपी में से क्या यूज करना है, जो छोटा हो। अब क्या करे जब अपने पास एसओ का दो अलग अलग वैल्यू है, तब क्या करना चाहिए? ये चीज का आंसर अपन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आपको पता चलता चलेगा। यहां पे हम लोग ये करते हैं कि वी मल्टीप्लाई दिस एसओ, एसओ क्या है इसका पिनियन का 80, और पिनियन के लिए ल्यूइस फॉर्म फैक्टर क्या बनेगा, वाईपी। तो हम लोग एसओ और वाईपी का प्रोडक्ट लेते हैं, हम लोग एसओ फॉर गियर एंड वाईजी का प्रोडक्ट लेते हैं, और उन दोनों प्रोडक्ट में से जो प्रोडक्ट छोटा रहा, ध्यान से सुनना, हम लोग एसओ फॉर पिनियन मल्टीप्लाइड बाय वाईपी, एसओ फॉर गियर मल्टीप्लाइड बाय वाईजी, ये करते हैं, और उन दो प्रोडक्ट्स में से जो प्रोडक्ट छोटा है वो प्रोडक्ट को अपन एफबी के फॉर्मूले में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम जब सॉल्व करेंगे तब ये चीज को मैं और एक बार हाईलाइट करूंगा। आगे बढ़ते हैं, पार्ट वन में अपने को क्या चेक करना है, आर द गियर सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी। ये क्वेश्चन अगर आ गया, आर दिस गियर सुटेबल फॉर कंटिन्यूस ड्यूटी वगैरह वगैरह टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया, तो अपने को सिंपली एक चीज ध्यान में रखना है कि अपने को एफबी और एफटी की वैल्यू
फाइंड आउट करनी है और एफबी और एफटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अपने को चेक करना है वेदर एफबी इज ग्रेटर देन एफटी. इफ एफबी इज नॉट ग्रेटर देन एफटी देन वी कैन से द जीयर्स आर नॉट सुटेबल फॉर कंटिन्यूअस ड्यूटी. ऑलराइट, सो पार्ट वन, कंसिडरिंग गिवन स्पेसिफिकेशंस डिजाइन पावर निकाल लेते हैं. रेटेड पावर 8 किलोवाट दिया हुआ था, रेटेड पावर 8 किलोवाट है. अपने को पता है पीडी इज इक्वल टू पीआर इनटू केएल एज पर दिस टेबल. कहां पे है पीडी? देखो, डिजाइन पावर टू बी कैलकुलेटेड सिमिलर टू स्पर गियर, और अपने को पता है स्पर गियर में पीडी इज इक्वल टू पीआर इनटू केएल है. अभी केएल का अपने को वैल्यू निकालना है. केएल का वैल्यू अपने को निकालने के लिए स्पर गियर के टेबल में जाना पड़ेगा, और स्पर गियर का टेबल मैं आपके सामने खोलता हूं अभी. टेबल नंबर 11-5 वर्म गियर है ये, एक मिनट. पीडी इज इक्वल टू पीआर इनटू केएल. हाँ, दिस इज 16.16-2 फॉर दैट 16-2 है. तो केएल अपने को यहां से फाइंड आउट करना है. नाउ हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने के बाद, न्यूमेरिकल जब हम पढ़ते हैं तब यहां पे सिर्फ कंटिन्यूअस ड्यूटी बोला हुआ है. यहाँ पे न्यूमेरिकल में सिर्फ अपने को कंटिन्यूअस ड्यूटी बोला हुआ है, स्टेडी लोड है करके कहीं पे मेंशन नहीं है. ध्यान से सुनना, दो चीजें रहती है जिसके ऊपर लोड फैक्टर डिपेंड करता है, एक ड्यूटी और टाइप ऑफ लोड. एक ड्यूटी, टाइप ऑफ सर्विस और एक टाइप ऑफ लोड. तो कंटिन्यूअस तो बोला है, मतलब अपने को ये तो पता चल गया कि अपना जो केएल का वैल्यू है 1.25, 1.5, 1.8 या फिर 2 में से एक रहेगा. ठीक है. नाउ बेवल गियर्स आर यूजुअली यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर द लोड इज नॉट स्टेडी. फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशियल गियर बॉक्स. डिफरेंशियल गियर बॉक्स में लोड जो है वो स्टेडी नहीं होता है. ठीक है. तो वी विल नेवर टेक टाइप ऑफ लोडिंग एज स्टेडी एंड कंटिन्यूअस. तो ये 1.25 फैक्टर अपने को कभी नहीं मिलेगा. यू हैव टू चूज बिटवीन लाइट शॉक, मीडियम शॉक एंड हैवी शॉक. ठीक है. नाउ सिंस नथिंग इज गिवन इन दिस न्यूमरिकल वी विल गो फॉर द मिडल वैल्यू ऑफ मीडियम शॉक्स. ठीक है. तो मीडियम शॉक्स और कंटिन्यूअस ड्यूटी के हिसाब से लोड फैक्टर दैट इज केएल अपने को मिलता है 1.8. यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आप लाइट शॉक एज्यूम करके 1.5 लेते हो तो भी गलत नहीं है, हेवी शॉक एज्यूम करके लोड फैक्टर 2 ले लेते हो तो भी गलत नहीं है. स्टेडी नहीं लेना है व्हेन इट कम्स टू बेवल गियर एंड वर्म गियर. थोड़ा सा ध्यान में रखना इस चीज को, अंटिल एंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द न्यूमेरिकल. न्यूमेरिकल में बोला है कि स्टडी कंटिन्यूअस है तो ठीक है, बहुत तुम्हारी सही, बट अगर अपने पास चॉइस है तो हम लोग स्टडी लोड कभी नहीं लेंगे बेवल गियर और वर्म गियर में. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना. तो इस हिसाब से अपन ने केएल जो है वो 1.8 सिलेक्ट कर लिया इस टेबल में. मीडियम शॉक और कंटिन्यूअस ड्यूटी के हिसाब से वी सिलेक्टेड केएल एज 1.8, और उस हिसाब से 8 × 1.8 = 14.4 × 10⁻³ वैट विल बी अवर डिजाइन पावर, एंड दैट इज अवर स्टेप नंबर 1. क्या किया अपन ने, डिजाइन पावर कैलकुलेट कर लिया. उसके बाद में पता है आपको, अपने को पिच एंगल फॉर पिनियन, पिच एंगल फॉर गियर, उसके बाद में फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, ये कल हमने फॉर्मूले देखे हुए हैं. व्हाट आई विल डू इज आई विल ओपन दैट पीडीएफ, द फर्स्ट पीडीएफ वंस अगेन, सो दैट थोड़ा सा आपका एक क्लैरिटी आ जाए. ओके, देखिए यहां पे कॉमन पॉइंट्स के अंडर हमने पढ़ा हुआ था. कॉमन पॉइंट्स देखो, कॉमन पॉइंट्स के अंदर नंबर ऑफ टीथ अपने को एज्यूम करने थे, दैट वाज अवर फर्स्ट कॉमन पॉइंट. लेकिन नंबर ऑफ टीथ तो अपने को डायरेक्ट गिवन है, तो ये स्टेप करने की जरूरत नहीं है. पिच एंगल ऑफ पिनियन इज टैन इनवर्स टीपी बाय टीजी, पिच एंगल ऑफ गियर इज टैन इनवर्स ऑफ टीजी बाय पीपी, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन विल बी नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पिच एंगल ऑफ पिनियन, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पिच एंगल ऑफ गियर. ऑलराइट ना, तो इस हिसाब से हमने गामा पी निकाल लिया, टेन इनवर्स ऑफ टीपी बाय टीजी. नाउ टीपी इज गिवन एस 21 एंड टीजी इज गिवन एस 63. टीपी इज नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन, टीजी इज नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर. तो टेन इनवर्स ऑफ 21 बाय 63 अपने को मिलता है 18.43 डिग्री, दैट इज पिच एंगल ऑफ पिनियन. पिच एंगल ऑफ गियर इज टेन इनवर्स ऑफ टीजी बाय टीपी, टेन इनवर्स ऑफ 63/21, एंड वी गेट पिच एंगल ऑफ गियर एट 71.56. ऑलराइट. Now, formative number of teeth on pinion is number of teeth on pinion divided by cos of pinion pitch angle, that is 21 divided by cos of 18.43, so ye milta hai 21.13. Formative number of teeth on gear is number of teeth on gear divided by cos of
पिच एंगल ऑफ गियर दैट इज 63 डिवाइड बाय कॉस ऑफ 71.56 दैट इज इक्वल टू 199.22। तो ये कॉमन पॉइंट्स में हमने नंबर ऑफ टीथ भी निकालने होते हैं कॉमन पॉइंट में अदर न्यूमेरिकल्स में, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टीथ दिए हुए, तो नंबर ऑफ टीथ अपन ने निकाले नहीं। अपन ने पिच एंगल ऑफ पिनियन निकाला, पिच एंगल ऑफ गियर निकाला, बाद में फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन निकाले, फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर निकाला। ऑलराइट, नाउ स्टेप नंबर टू, वी हैव टू फाइंड आउट एफ टी, और एफ टी का फॉर्मूला एज पर टेबल, लेट मी टेक यू टू दैट टेबल नंबर 16-20। एफ टी का फॉर्मूला अपने टेबल के हिसाब से पीडी अपॉन वीपी है, ठीक है, पीडी अपॉन वीपी। तो पीडी डिजाइन पावर टू बी कैलकुलेटेड सिमिलर टू स्पर गियर, तो ये तो हमने निकाल लिया, यहाँ पे पीडी वी हैव कैलकुलेटेड। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वीपी, एंड वीपी वी नो इट इज द पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिनियन। वीपी इज वॉट, पिच लाइन वेलोसिटी ऑफ पिनियन। तो हम लोग यहाँ पे, और वीपी अपने को मीटर पर सेकंड में, ये चीज मैं ऑलमोस्ट, हमने अगर अब तक 15 न्यूमरिकल लिए है तो हर न्यूमरिकल में मैंने ये चीज आपको बताई है कि वीपी हैज टू बी फाउंड आउट इन मीटर पर सेकंड। अपना जो डायमीटर है, पिच डायमीटर, इट इज इन एमएम, उसको कन्वर्ट करने के लिए अपने को डिवाइड बाय 1000 करना पड़ता है, एंड आरपीएम इज रोटेशंस पर मिनट, वेयर एज अपने को पर सेकंड में चाहिए, तो इसको डिवाइड बाय 60 करना पड़ता है। अदरवाइज फॉर्मूला है पाईडीएन, वीपी वी इज इक्वल टू पाईडीएन डिवाइड बाय 60 इनटू 1000, इसलिए करते हैं क्योंकि अपने को मीटर पर सेकंड में आंसर चाहिए। यह रखते वक्त अपने को ध्यान में रखना है कि डिवाइड बाय 1000 कर रहे हैं मतलब डीपी एमएम में होना चाहिए, डिवाइड बाय 60 कर रहे हैं मतलब एनपी जो है वो आरपीएम में होना चाहिए। कभी कभार घुमाने के लिए स्पीड के सामने ब्रैकेट में आरपीएस लिख देते हैं, ध्यान से सुनना, कभी कभार न्यूमेरिकल में घुमाने के लिए स्पीड के सामने ब्रैकेट में आरपीएस लिख देते हैं, तो वहां पे अपने को ध्यान में रखना है कि वो आरपीएस को आरपीएम में कन्वर्ट करो बाकी जगह यूज करने की जगह पर। और जब आप वीपी निकालोगे तब यहाँ पे डिवाइड बाय 60 नहीं आएगा, वाई, बिकॉज पिनियन आरपीएम इन दैट केस विल बी इन रोटेशन पर सेकेंड, और अपने को यूनिट पर सेकेंड ही चाहिए। ऑलराइट, सो वीपी इज इक्वल टू पाई डीपी एनपी डिवाइड बाय 60 इनटू 1000। डीपी को अपन ने मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ टीथ लिख दिया, ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, अपन ने सारे न्यूमेरिकल्स में अब तक की है, तो अपन इसके ऊपर डिस्कशन अभी नहीं करेंगे आगे ज्यादा। टीपी अपने को पता है, एज पर दिस टेबल इट इज गिवन एज 21, तो हमने 21 टाइम्स मॉड्यूल लिख लिया। एनपी अपने को दिया हुआ है 960, तो हमने 960 लिख लिया, तो अपने को वीपी जो है इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल मिल जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो अपने को मिलता है 1.05 टाइम्स मॉड्यूल मीटर पर सेकंड, और उसके हिसाब से एफटी अपने को मिलता है पीडी अपॉन वीपी, पीडी अपॉन वीपी 14.4 × 10³ डिवाइड बाय 1.05 टाइम्स मॉड्यूल टाइम न्यूटन, तो ये 13714 डिवाइडेड बाय मॉड्यूल न्यूटन, ऐसा अपने को एफटी मिलता है, दैट इज टूथ लोड। नाउ इन थर्ड स्टेप वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफबी, एफबी इज बीम स्ट्रेंथ। तो डेटा बुक के हिसाब से बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला आपको कोई याद रखना नहीं है, इट इज एसओसीवी बाय बीएम 1 माइनस बी बाय एल इज द फॉर्मूला, वी विल राइट इट इन द कॉपी, एफबी इज इक्वल टू एसओसीवी बाय बीएम ब्रैकेट में 1 माइनस बी बाय एल, एसओसीवी बाय बीएम ब्रैकेट में 1 माइनस बी बाय एल। नाउ जैसे कि मैंने बताया था, यहां पे एसओ कौन सा यूज करूं मैं, अब तक क्या था अपने पास, पिनियन और गियर का मटेरियल अपने को एज्यूम करने बोल रहे थे, तो अपन एक ही मटेरियल लेके चल रहे थे, तो एसओ की एक ही वैल्यू मिल रही थी अपने को, अब क्या करना जहां पे दो मटेरियल हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ एसओ इंटू वाईपी, यहां पे देखिए जहां पे मेरा कर्सर है, यू हैव टू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ एसओ इंटू वाईपी, दैट इज एसओ इंटू वाई फॉर पिनियन यू हैव टू फाइंड आउट, देन यू हैव टू फाइंड आउट एसओ इंटू वाई फॉर गियर। ऑलराइट, व्हाट इज वाई हियर, वाई इज ल्यूइस फॉर्म फैक्टर, यहां पे एक अपन ने नोट लिखा हुआ है, हियर मटेरियल ऑफ पिनियन एंड गियर आर डिफरेंट, देयरफॉर डिटरमाइन द वीकर ऑफ दिस टू, डिटरमाइन वीकर ऑफ दिस पिनियन एंड गियर, इफ एसओ वाई फॉर पिनियन इज लेस द पिनियन इज वीकर, सिमिलरली इफ एसओ वाई फॉर गियर इज लेस देन दैट मीन्स द गियर इज वीकर। दोनों में से एसओ वाई अपने पिनियन का निकाला, एसओ वाई अपन ने गियर का निकाला, तो वो वीकर रहेगा जिसका ये वैल्यू कम आता है, ठीक है, ओके। नाउ लेट अस फाइंड आउट वाईपी फर्स्ट, लेट अस फाइंड आउट वाईपी फर्स्ट, और वाईपी के लिए अपने को कौन से टेबल पे जाना पड़ता है, दिस इज सिमिलर टू स्पर गियर, तो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट दैट वाईपी वाला टेबल। वाई इज व्हाट, ल्यूइस फॉर्म फैक्टर, तो ल्यूइस फॉर्म फैक्टर ढूंढते हैं हम लोग, ओके, हियर इज द फॉर्मूला फॉर ल्यूइस फॉर्म, मॉडिफाइड ल्यूइस फॉर्म फैक्टर वाई फॉर इन्वोल्यूट गियर, अपना जो बीवल गियर है वो इन्वोल्यूट गियर है,
टूथ प्रोफाइल कौन सी दी हुई है टेबल में? टूथ प्रोफाइल दी है 14.5 डिग्री, देखिए टूथ प्रोफाइल दी है 14.5 डिग्री। तो हम लोग 14.5 डिग्री के हिसाब से मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इट इज 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय टी, 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय टी। यहाँ पे एक चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि टी के जगह पर फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ यूज करने पड़ते हैं। ये भी मैंने आपको नोटिस इसके पहले नोट इसके पहले आपको न्यूमेरिकल में लिख के दी है। तो अपना फॉर्मूला क्या है, 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय टी। अब YP निकाल रहा हूं तो मुझे फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन लेने पड़ेंगे, विच वी कैलकुलेटेड एज इक्वल टू 22.13। तो यहाँ पे क्या किया है, देखो 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय 22.13, उसके हिसाब से YP मुझे मिलता है 0.29, YP मुझे मिलता है 0.29। तो जैसे कि अपन ने ये नोट में लिखा था कि SO into Y for pinion अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। Now YP is Lewis form factor for pinion, तो SO का वैल्यू हम क्या लेंगे, पिनियन का। पिनियन का SO का वैल्यू कौन सा है, 80, बराबर। तो हम लोग 80 इंटू YP का एक प्रोडक्ट यहाँ पे निकाल के रख देंगे, 80 इंटू YP, YP कितना आया था 0.29, तो 80 इंटू YP अपने को मिलता है 23.22। क्या मिला SO इंटू YP, 23.22। नाउ हम लोग YG निकालते हैं, YG का फॉर्मूला 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर, इट इज 199.22। तो फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर अपन ने यहाँ पे लिख दिया और अपने को मिला 0.37। अभी अपने को निकालना है SO into Y फॉर गियर, सो वी विल रिक्वायर द वैल्यू ऑफ SO करेस्पॉन्डिंग टू गियर, विच इज 54। तो 54 मल्टीप्लाइड बाय दिस YG विल गिव अस 20.47। Now we have SO into Y for pinion, that is 23.22. We have SO into Y for gear, which is 20.47. ये दोनों में से अपने को दिख रहा है कि ये 20.47 छोटा है as compared to 23.22, बराबर। That means gear is weaker as compared to pinion. इसका meaning क्या हुआ, SO into Y का product gear के लिए कम मिलना और pinion के लिए ज्यादा मिलना, इसका meaning होता है कि gear is weaker as compared to pinion, बराबर। गेटिंग इट, सो हम लोग कौन सा SO into Y वाला वैल्यू रखेंगे FB में, अपन 20.47 रखेंगे। आप FB का अगर फॉर्मूला देखोगे तो SO into Y ये प्रोडक्ट अपने को रखना है यहां पे, SO into Y, तो ये कौन सा प्रोडक्ट रखेंगे अपन, जो अपने को गियर के लिए मिला। क्यों, क्योंकि वो वैल्यू पिनियन के वैल्यू से छोटी है, ठीक है। ओके, नाउ CV मैंने आपको बताया था कि एज्यूम करना पड़ता है RPM less than 1000 है तो CV 0.5 assume करना पड़ता है। ये last numerical में एक table, हाँ बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। आप बोल नहीं पा रहे तो आप चैट में लिख सकते हो, आप सिर्फ हेलो बोलेंगे तो नहीं समझेगा सर। उसको आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप लोगों को आ रही है? हाउ सर, तो आई थिंक इश्यू इज ऑन हिज एंड, नो देन मे बी। यस सर, यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है, प्लीज थोड़ा सा चैट विंडो में अगर बोल दोगे कि आवाज आ रही है करके। ओके अक्षय, गॉट यू। विलास ऑल्सो इज एबल टू लिसन टू माई वॉइस, सो आई थिंक वॉइस इज क्लियर फ्रॉम माई साइड। ओके संकेत, आशुतोष, मयूर, थैंक यू। ऑल राइट, दैट कन्फर्म्स that my voice is audible to you. किसी को अगर कुछ रीजन से ऑडियो का इश्यू होता है तो आपको पता ही है, ये वीडियो मैं आपके लिए प्रेजेंट करता हूं बाद में, तो यू कैन गो एंड वॉच देयर, फाइन। ऑलराइट, नाउ लेट अस कंटिन्यू विथ व्हाट वी वर डूइंग। अपने पास 15 मिनट बचे हैं, वी हैव टू फिनिश दिस, एटलीस्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो फिनिश करना चाहता हूं मैं, सो दैट जिनको ये असाइनमेंट मिला है वो लोग बाकी का पोर्शन सॉल्व कर सके, ठीक है। ओके, तो सीवी अपन ने एज्यूम कर लिया, एल अपने को पता है, एल का फॉर्मूला हम लोग डेटा बुक से उठा सकते हैं। एल का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देता हूं 16-20 में जाके। एल का फॉर्मूला है अपना अंडर रूट ऑफ 0.5 अंडर रूट ऑफ डीजी स्क्वायर प्लस डीपी स्क्वायर। राइट नाउ वी हैव डीजी एंड डीपी इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूल, बिकॉज अपने को मॉड्यूल मिले नहीं है। डीजी अपने को पता है नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल, डीपी अपने को पता है नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल। तो अपने को एल का वैल्यू मिलता है 33.20 टाइम्स मॉड्यूल। नाउ अपन ने यहाँ पे देखा हुआ है फेस विड्थ कैसा सिलेक्ट करते हैं। फेस विड्थ सिलेक्शन के लिए एक टेबल था यहाँ पे,
अगर आपका एल का वैल्यू लेस देन 30 टाइम्स मॉड्यूल आ रहा है तो 6 टाइम्स मॉड्यूल से 7 टाइम्स मॉड्यूल अपने को फेस विड्थ रखना है। अगर एल का वैल्यू ग्रेटर देन 30 टाइम्स मॉड्यूल आ रहा है तो अपने को 7 टाइम्स मॉड्यूल से लेकर 10 टाइम्स मॉड्यूल बी का वैल्यू रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि एल का वैल्यू 33.20 टाइम्स मॉड्यूल है, ये मीटर नहीं है, ठीक है ना, ये मॉड्यूल है और मॉड्यूल का यूनिट एमएम होता है, मॉड्यूल का यूनिट एमएम होता है, मॉड्यूल का यूनिट एमएम होता है, बार बार रिपीट। सो बी 7 टाइम्स मॉड्यूल टू 10 टाइम्स, यहाँ पे 10 टाइम्स चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 1 एम गलती से आ गया, इट शुड बी 10 टाइम्स मॉड्यूल, 7 टाइम्स मॉड्यूल टू 10 टाइम्स मॉड्यूल फॉर एल ग्रेटर देन 30 टाइम्स मॉड्यूल। तो 30 टाइम्स मॉड्यूल से एल बड़ा है, तो लेट अस से कि फेस विड्थ अपन ने 8 टाइम्स मॉड्यूल करके सिलेक्ट कर ली। ठीक है, अभी अपन एफ बी का फॉर्मूला लिखते हैं। एफ बी इज एसओ इंटू वाई, काय के लिए, गियर के लिए, तो अपने को गियर का एसओ लगेगा, गियर का एसओ क्या है, गियर का एसओ 54 है तो 54 लिख दिया, YG लगेगा गियर के करेस्पॉन्डिंग, YG आया है 0.37, तो आप देखो FB के फॉर्मूले में SO और YG अपन ने किया, क्यों, क्योंकि SO into YG ये प्रोडक्ट गियर के लिए पिनियन के कंपैरिजन में कम आया। उसके बाद में हमने CV की वैल्यू रखी, उसके बाद में हमने B की एज्यूम्ड वैल्यू रखी 8 टाइम्स मॉड्यूल, उसके बाद में मॉड्यूल लिखा 1 माइनस बी बाय एल लिख दिया और इसको सॉल्व किया तो अपने को मिला 62.14 एम स्क्वेयर एज द वैल्यू ऑफ FB। इसके बाद में आपको पता है मॉड्यूल निकालने के लिए अपन एफ टी इज इक्वल टू एफ बी करते हैं और यहां से अपने को मॉड्यूल मिल के आया 6.04 इतना। ठीक है, अभी यहाँ पे 6.04 इज इक्वल टू 6 मॉड्यूल लिखा हुआ है विच कैन बी कॉल्ड करेक्ट और इट इज अप टू यू, आप इसको राउंड अप भी करते हैं तो भी गलत नहीं है, आप थोड़ा सा 6 के करीब आया इसलिए आपने 6 भी लेके चले तो भी चलते नहीं है, बट इसके पहले के डिस्कशन के हिसाब से हमको इसको राउंड अप करना पड़ेगा, तो लेट अस राउंड इट अप। 6 के बाद सीधा अपने पास मॉड्यूल कौन सा अवेलेबल है, 8, ऑल राइट, 6 के बाद अपने पास मॉड्यूल अवेलेबल है 8, तो लेट अस से यहां पे भले ही 6 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है लेकिन लेट अस सॉल्व इट बाय टेकिंग मॉड्यूल इज इक्वल टू 8, ऑल राइट, बाय टेकिंग मॉड्यूल इज इक्वल टू 8, तो उसके हिसाब से ये सारी वैल्यूज चेंज होगी, वी विल बी इन अ पोजिशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ टी, लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ टी बाय कीपिंग एम इज इक्वल टू 8, तो 13714 डिवाइडेड बाय 8, जस्ट अ मिनट, 13714 डिवाइडेड बाय 8, तो ये अपने को मिला 1714.25। एक मैं टेक्स्ट फाइल ओपन करता हूं, उसमें एफ टी का वैल्यू लिख देता हूं, सो एफ टी इज इक्वल टू 1714.25 समथिंग न्यूटन। ठीक है, नाउ लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एफ बी, एक बार कर लेते हैं, 13714 डिवाइडेड बाय 8, 1714.25, ऑल राइट, करेक्ट है। उसके बाद में एफ बी क्या आया है अपना, एफ बी आया है 62.14 एम स्क्वायर, ये वैल्यू डेफिनेटली 62.14 मल्टीप्लाइड बाय 64, 8 8 64, ऑल राइट, तो 3976.96। तो हम यहां पे देख पा रहे हैं, आपको अगर दिख रहा होगा तो एफ बी की वैल्यू एफ टी से ज्यादा आ रही है। ठीक है, अगर हम लोग इफ, यहां पे लिख देता हूं मैं, इफ मॉड्यूल इज इक्वल टू 8, मॉड्यूल इज इक्वल टू 8, ऑलराइट, आप पढ़ पा रहे हैं, समवन प्लीज कंफर्म इफ यू आर एबल टू रीड द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, सेंट चैट, ओके थैंक यू। सो आप तो यहां पे थोड़ा, हाँ बोलिए, ओके तो अगर ये न्यूमेरिकल में आप देखिए, ये न्यूमेरिकल में किस तरह से सॉल्व किया है, इसने मॉड्यूल को 6.04 को राउंड डाउन करके 6 ले लिया और उसके हिसाब से अगर एफटीएफबी कैलकुलेट किया तो शायद ये वैल्यूज आ रही है। ठीक है, अपन ने क्या किया, 6.04 के ऊपर वैल्यू ले ली, मॉड्यूल अपन ने 8 टाइम 8 ले लिया तो उसके हिसाब से एफ टी और एफ बी जो है वो एफ बी की वैल्यू एज पर दिस टेक्स्ट फाइल एफ बी का वैल्यू एफ टी से बढ़ा रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो पहले डिजाइन डेटा दिया हुआ था, अपन ये बोल सकते हैं कि पहले जो डिजाइन डेटा दिया हुआ था उसके हिसाब से डिजाइन सेफ है, बराबर, लेकिन अगर 6 के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो आपके सामने वैल्यूज है, एफटी का वैल्यू, एफबी का वैल्यू 2237 आता है, एफटी का वैल्यू 2286 आता है, दैट मींस एफबी इज लेस देन एफटी और यहां पे अपना डिजाइन चेक
फेल हो जाता है. ठीक है. नाउ दिस कैलकुलेशन हैव टू बी डन वन मोर टाइम. यहाँ पे शायद तीसरा अपन एक डेसिमल पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट अगर लेते हैं तो हो सकता है ये मॉड्यूल 6 से थोड़ा सा कम आ जाए और फिर राउंड अप करके यहाँ पे डिजाइन फेल हो. क्योंकि क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ही उस तरह से पूछा गया है कि यहाँ पे ये पहला फेल हो जाएगा और उसके बाद ये अपने को फिर से प्रूव करना पड़ेगा. अभी एक सिनेरियो अपन डिस्कस करते हैं. वो सिनेरियो ऐसा कि समझ के चलो कि अपन ने मॉड्यूल अपना 6.04 आया कैलकुलेशन के हिसाब से, उसको अपन ने इज इक्वल टू 8 लिख दिया. तो इसके बाद क्या करना, इसके बाद हम ये लिखेंगे कि हमारा एफ टी एफ बी से कम आया इसलिए 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इन्वॉल्यूट अगर हम टूथ प्रोफाइल रखते हैं तो डिजाइन सेटिस्फाई होगी. बराबर, ये लिखना है. लेकिन उसके बाद ये सेकंड पार्ट छोड़ नहीं देना है. सेकंड पार्ट क्या है, विल दे बी सुटेबल इफ प्रेशर एंगल इज चेंज टू 20 डिग्री फुल डेप्थ. ये छोड़ नहीं देना है. क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल 20 मार्क का है. तो ये भले ही अपने को पता चल गया कि ये सुटेबल है, फिर भी अपने को 20 डिग्री फुल डेप्थ के हिसाब से इसको फिर से आगे में डिजाइन करना है. ठीक है, तो ये चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ऑल राइट, सो ये जो अगला पोर्शन है, ये अगला पोर्शन जो है आपको एफ बी ऑनवर्ड्स छुड़ाना पड़ेगा फॉर 20 डिग्री फुल डेप्थ. 20 डिग्री फुल डेप्थ करने के बाद सिर्फ एक ही चीज चेंज होती है, वो मैं आपको डेटा बुक में दिखा देता हूं. 20 डिग्री फुल डेप्थ करने के बाद अपने जो ये फैक्टर्स है, ये जो फैक्टर है मॉडिफाइड लुईस फॉर्म फैक्टर, ये 0.39 माइनस 2.16 डिवाइडेड बाय टी लेने के जगह पर अपने को 0.485 माइनस 2.87 डिवाइडेड बाय टी लेना पड़ता है. ठीक है, तो यहां पे चेंज आता है, उसके वजह से एफ बी की वैल्यू में चेंज और बाकी सारे वैल्यूज में चेंज आता है. तो आपको एफ बी ऑनवर्ड्स, ये न्यूमरिकल मैंने आधा छुड़ा के आपके सामने रख दिया, एफ बी ऑनवर्ड्स इसको आपको खुद को सॉल्व करना है. ठीक है, आपको खुद को मतलब जिनका भी, बाकी लोगों को खुद सॉल्व करके देखना है और कुछ लोगों को तो ये असाइनमेंट करके दिया ही हुआ है मैंने. ठीक है, एंड विद दैट आई